হচ্ছে ইন্ডিয়া নিজের জায়গায় তারা স্টার্টআপ খোলার জন্য চেষ্টা করে, তারা এখানে থাকছে কিন্তু তাদের একটা নির্দিষ্ট পরিবেশ তৈরি করা হয়। স্বাগতম সবাইকে পিচি ডিরেকশনে, আমরা চলে এলাম আজকে আপনাদের সঙ্গে আরেকটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য। আর আজকে আমরা যে ভিডিওটি আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে দেখব সে ভিডিওর টাইটেল হচ্ছে ইন্ডিয়ান ডোমিনেশন, হোয়াই মোস্ট মেজর কোম্পানিজ হ্যাভ ইন্ডিয়ানস অ্যাজ দেয়ার সিইও। অ্যাজ তার মানে হচ্ছে বড় বড় কোম্পানিগুলো ইন্ডিয়ার যে সমস্ত ইন্টেলিজেন্ট পিপল আছে তাদেরকে তাদের সিইও হিসেবে নিয়োগ দিচ্ছে, এটা নিয়ে এই ভিডিওটা। কোন কোন কোম্পানি নিয়োগ দিয়েছে এবং কারা আবার নিয়োগ দিবে, এরকম কিছু প্ল্যান হয়তো বা থাকতে পারে ভিডিওটার মধ্যে। তো বরাবর তো আমরা এই ভিডিওটি নিয়েছি ইউটিউব চ্যানেল ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স থেকে, আর ওনাদের অরিজিনাল ভিডিও লিঙ্কটা আমাদের ভিডিওর নিচে দেওয়া থাকবে, চাইলে আপনারা সেখান থেকেও দেখে নিতে পারেন। তো চলুন সবাই ভিডিওটি দেখে আসি। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये जो ट्वीट आप अपने सामने देख रहे हैं आज के समय वायरल हो चुकी है। यहां पर पैट्रिक कोलिसियन, पैट्रिक बाय द वे मैं आपको ये बता दूं ये सीईओ हैं ऑफ स्ट्राइब। स्ट्राइब अपने आप पे बहुत बड़ी कंपनी है, पेमेंट्स रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है ये लोग डेवलप करते हैं। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि आज के समय गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, आईबीएम, पैलो ऑल्टो नेटवर्क्स, उसके अलावा अब तो ट्विटर भी, इन सब के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सीईओ ये अब इंडियन हैं, मतलब के जो इंडिया में पैदा हुए थे अब यूएस में आ चुके हैं। ये लोग अमेरिका की जो मेजर कंपनीज हैं इनको संभाल रहे हैं। और आगे ये कहते हैं कि बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि इंडियंस ने कितनी सक्सेस हासिल करी है और अमेरिका कितनी अपॉर्चुनिटी देता है इमिग्रेंट्स को, बाहर के लोगों को अपने देश में आके काम करने के लिए। और इस रिस्पॉन्स में दुनिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं इलॉन मस्क, इन्होंने भी ये कहा कि बिल्कुल यूएसए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है इंडियन टैलेंट से। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर ये कोई ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर हम जश्न मनाएं, जिसको लेकर हम खुश हो, क्योंकि घूम फिर के हमारा टैलेंट हुआ क्या है कि हमारा टैलेंट जो इंडिया में काम कर सकता था, जो इंडिया में कंपनीज क्रिएट कर सकता था, वो इंडिया से बाहर चला गया और अब यूएसए में जो इनकी मेजर कॉरपोरेशंस हैं उनको संभाल रहा है। तो सैड बात है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ब्रेन ड्रेन को लेकर हम खुशियाँ क्यों बनाएं? देखिए एक टाइम पर बिल्कुल ऐसा होता रहा मगर आज के समय ये काफ़ी हद तक रुक चुका है। पिछले 6 से लेकर 7 साल में आप अगर देखो तो इंडिया में जो स्टार्टअप कल्चर शुरू हुआ है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया के अंडर इंडिया में आपने देखा होगा बहुत सारी स्टार्टअप कंपनीज ओपन हुई है। मैं खुद आज के समय अनअकैडमी आप अगर देख लो एक स्टार्टअप का एग्जाम्पल है। ऐसी बहुत सी स्टार्टअप कंपनीज इंडिया में खड़ी हुई हैं, आज के समय इनकी वैल्यूएशन बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जारी है। और धीरे धीरे अब हम देख रहे हैं कि इंडिया अपना टैलेंट रिटेन करने की तरफ फोकस कर रहा है। कई इंडियंस हैं जो बाहर जाने के सिवाय ये सोचते हैं कि क्यों ना इंडिया में हम एक बहुत बड़ी कंपनी बनाए, हम इंडिया में एप्स डेवलप करें, इंडिया में कंपनीज बिल्ड करें। तो धीरे धीरे मैं कहूँगा उस एस्पेक्ट में इम्प्रूवमेंट आई है, मगर ज़्यादातर आज के समय जो यूएस कंपनीज के सीईओ आपको मिलेंगे वो इंडियन अमेरिकन एक्चुअली यूएसए पहुंच गए थे या तो 1990s में या फिर अर्ली 2000s में। और इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियंस इतना ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे हो गए यूएसए में, और एक बार को चाइनीज़ गवर्नमेंट का जो माउथ पीस है उसने भी इसके बारे में क्या कहा था। नाउ पहले मैं आपको बता दूं कि आज के समय वो कौन कौन सी लीडिंग मेजर अमेरिकन कंपनीज हैं जिनके हेड बन चुके हैं इंडियन अमेरिकन्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अभी रिसेंटली आपने सुना होगा पराग अग्रवाल ने जैक डॉर्सी को ऑल टुगेदर रिप्लेस कर दिया है एज द सीईओ ऑफ ट्विटर। ये अपने आप पे काफी बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है। उसके अलावा आपको पता होगा सुंदर पिचाई के बारे में, जब भी हम इंडियंस हारने लगते हैं किसी अमेरिकन के साथ, यूरोपियन के साथ, सीधा हम सुंदर पिचाई का एग्जाम्पल देते हैं। उसके अलावा सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट को लीड कर रहे हैं, फिर अरविंद कृष्णा भी एक बहुत ही बड़ा नाम है, आईबीएम को आज के समय लीड कर रहे हैं, ही इज द सीईओ ऑफ आईबीएम। उसके अलावा शांतनु नारायण ये सीईओ हैं एडोबी के, उस कंपनी के जिसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूँ, हो सकता है कि आप भी यूज करते हो। इस कंपनी के सीईओ भी इंडियन है। उसके अलावा निकेश अरोरा ये पैलो ऑल्टो नेटवर्क के सीईओ है। पैलो ऑल्टो नेटवर्क आज के समय क्लाउड कंप्यूटिंग में, साइबर सिक्योरिटी में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा नाम है यूएसए में। और ये तो मैंने यहाँ पे आपको टॉप ऑफ द लाइन जो मल्टी बिलियन डॉलर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं जो दुनिया भर में फैली हैं उनका नाम मैंने आपको यहाँ पे बताया है। उसके अलावा भी अमेरिका में आज के समय बहुत सी कंपनीज हैं जहाँ पर सीईओ, वाइस प्रेसिडेंट, इंपॉर्टेंट पोजिशंस पे आपको बहुत से इंडियन अमेरिकन मिलेंगे,
इवन दो इंडियन अमेरिकन की जो टोटल आप अगर आबादी देख लो यूएसए की टोटल पॉपुलेशन में ये रफली 1% से लेकर 1.5% के आसपास है, तो ट्रमेंडस सक्सेस हासिल करी है हमारे लोगों ने वहाँ पर जाकर। और एक बार को चाइना का जो सरकारी मीडिया है ग्लोबल टाइम्स 2018 में इसने भी ये बात नोट करी थी, ये आप देख पाओगे। इन्होंने खुद कहा, चाइनीज लोगों ने, ये खुद की असेसमेंट प्रॉपर्ली करते हैं काफी बार, इन्होंने कहा था कि इंडियंस ने कंप्लीटली आउट परफॉर्म कर दिया है चाइना को ओवरसीज कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में। अब यहाँ पे आप कहोगे इसका रीजन होगा ना चाइना अपने जो होनहार लोग हैं उनको जाने नहीं देता। देखो कुछ केसेस में होता है, मेडिकल फील्ड में थोड़ा बहुत ऐसा होता है, मगर ओवरऑल आप अगर देखो यूएसए में सबसे ज़्यादा जो इमिग्रेंट्स हैं वो तीन देशों से आते हैं। नंबर वन तो है मैक्सिको, मगर मैक्सिको से जो इमिग्रेशन होती है यूएसए में, इसमें से पहली बात तो बहुत सारी इलीगल तरीके से होती है, फिर उसके अलावा जो लीगल तरीके से भी होती है उसमें ज़्यादातर लोग वर्कर्स होते हैं, या तो खेती बाड़ी में हाथ बढ़ाते हैं या फिर ऑल टुगेदर स्किल्ड लेबर होता है, फैक्ट्री में काम करते हैं। कॉरपोरेट लेवल के टॉप पर पहुंचने वाले मैक्सिकन जो यूएसए में गए हैं उनकी संख्या आपको बहुत ज़रा कम मिलेगी। फिर मैक्सिको के बाद सेकेंड नंबर है चाइना का। बहुत से चाइनीज आज भी हर साल जाते हैं यूएसए में काम करने के लिए, कई चाइनीज यहीं पर बस जाते हैं। फिर तीसरे नंबर पर आता है इंडिया का नाम, मगर तब भी चाइना से पीछे रहकर भी आप देख रहे हैं ऑल टुगेदर इंडियंस ने कम्प्लीटली आउट परफॉर्म कर दिया है चाइनीज अमेरिकन को इन यूएस। और ये बात चाइना का ग्लोबल टाइम्स खुद एडमिट कर चुका है, और इन लोगों ने आगे ये भी कहा था कि इसका रीजन ये है कि कॉरपोरेट मैनेजमेंट में इंडियंस बहुत अच्छे हैं और चाइना को अपना खुद का जो होम ग्रोन टैलेंट है ये इम्प्रूव करना होगा अगर हमको कैचअप करना है। क्योंकि मैं आपको ये बता दूँ, अगर इतने सारे इंडियंस इंडिया से बाहर निकल के यूएसए में इतना कुछ एकॉम्प्लिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल इंडिया में बहुत से लीडर्स पैदा हो रहे हैं, बहुत से लोग पैदा हो रहे हैं जिनकी एक सोच है कि कंपनी को ग्रो कैसे करना है। ऐसे लोग कल को अगर इंडिया में काम करना स्टार्ट कर दें, जो हम देख रहे हैं कि आज के समय हो भी रहा है, तो उससे हो सकता है कि इंडिया में कल को मेजर कंपनीज खड़ी हों। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन ये आएगा कि इंडियंस ने किस तरीके से मैक्सिकन अमेरिकन और प्रीटी मच दुनिया भर के लोगों को बीट कर दिया, अफ्रीकन्स को बीट कर दिया, जापानीज लोगों को, रशियंस को। किसी भी नेशनैलिटी की इतनी डोमिनेंस आपको नहीं मिलेगी दुनिया की टॉप कंपनीज में जितनी इंडियंस की है। तो इसका रीजन क्या है? देखो रीजन बहुत सारे हैं। नाउ सबसे बड़ा रीजन तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स मैटर करती है। जो चाइनीज लोग जाते हैं चाइना से यूएसए में, उनकी लैंग्वेज स्किल्स उतनी ज़्यादा डेवलप्ड होती नहीं है जितनी इंडियंस की होती है। बहुत से इंडियंस हैं जो आराम से अपनी इंग्लिश और ज़्यादा एक्सेंट के हिसाब से इम्प्रूव कर लेते हैं और आराम से अमेरिकन कॉरपोरेट कल्चर में कम्युनिकेट कर पाते हैं, क्योंकि जब तक आप सामने वाले आदमी को अपनी बात सुनाओगे नहीं, बात नहीं कर पाओगे उससे प्रॉपरली, तब तक कैसे आप प्रमोशन पाओगे, कैसे आप कंपनी में अपने आइडिया शेयर करोगे। एक फैक्टर तो ये है। फिर एक और बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो देखा गया है वेरियस कॉरपोरेशंस में, परसवेरेंस। अब परसवेरेंस क्या होता है? परसवेरेंस होता है कि हार ना मानना, टिके रहना। ये बात इंडियंस में बिल्कुल मौजूद है, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार नहीं मानते, हम हारते नहीं हैं। कॉरपोरेट कल्चर में इसका सिंपली मतलब ये है कि इंडियंस देखा गया है कि ज़्यादातर एक कंपनी के साथ ज़्यादा लॉयल रहते हैं बहुत ही लंबे समय तक। एक कंपनी के सीईओ बनने की वैसे काफ़ी रिक्वायरमेंट्स होती है, उनमें से एक बड़ी रिक्वायरमेंट ये भी है कि आप उस कंपनी के साथ बने रहें बहुत ही लंबे समय तक, स्पेशली जब आप एक इमिग्रेंट है, आप बाहर से आए हैं। वेरस देखा गया है कि रशियंस जब जाते हैं यूएस में काम करने के लिए, तो एक टाइम पर बहुत सी कंपनीज चेंज करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एक जगह काम कर करके। चाइनीज लोगों के साथ काफी प्रॉब्लम होती है, इंडियंस उस मामले में मेंटली बहुत ज्यादा टफ है, सीईओ बन जाते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, नडेला साहब आज के समय माइक्रोसॉफ्ट को लीड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रातों रात इनको कहीं से भी पकड़ के सीईओ बना दिया, ये 2 दशकों तक माइक्रोसॉफ्ट में काम करते रहे, उसके बाद इनको सीईओ बनाया गया था। सुंदर पिचई का एग्जांपल आप अगर देखो तो 2004 से लगातार गूगल में काम करते रहे, तब जाकर सीईओ बने। इंदिरा नूरी जी का एग्जांपल आप अगर देख लो, हालांकि आज के समय पेप्सिको की सीईओ ये नहीं रही है, मगर एक टाइम पर जब ये सीईओ बनी थी उससे पहले इन्होंने 2 दशकों तक काम किया था पेप्सिको में, लॉयल्टी दिखाई थी कंपनी को। उसके अलावा एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है ह्यूमिलिटी। जब तक एक ह्यूमन बीइंग में विनम्रता नहीं होगी, उसमें सीखने की इच्छा नहीं होगी, तब तक वो लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाएगा। और जब ये ट्रेट आप टैलेंट के साथ अपॉर्चुनिटी के साथ मिक्स कर देते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। उसके अलावा एक और बहुत ही बड़ा फैक्टर है ईजियर अडेप्टेशन। ये बात जो चाइना का सरकारी मीडिया उसने कही थी 2018 में कि इंडियंस अडेप्ट बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। चाइनीज नागरिकों को आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल एक हटके एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको,
अब चाइना के लोग आज के समय धीरे धीरे पाकिस्तान की जो की लोकेशंस हैं वहाँ पे अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। ग्वादर के पास आप अगर देखो बहुत से चाइनीज सेटलमेंट्स बननी स्टार्ट हो गई है, और चाइना के लोगों को खुद का अपना एक स्पेस चाहिए होता है, इनकी अलग से कॉलोनी बनती है, वहाँ पे चाइनीज़ फूड आपको मिलेगा, चाइनीज़ वाइन आपको मिलेगी। उसको लेकर अभी रिसेंटली प्रोटेस्ट भी हुआ था, जापानीज़ लोग इंडिया में आते हैं, आपको पता होगा जापानीज़ लोगों के लिए इंडिया में अलग से टाउन बन रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ जापानीज़ लोग ही रहते हैं, उनका रहन सहन अलग ही होता है, तो उनको एक अलग टाइप का ही चाहिए होता है। तो ये आप कह लीजिए स्ट्रांग पॉइंट नहीं है, ये कमज़ोरी है कि ये घुल मिल नहीं पाते आराम से। इंडियंस का अलग ही हिसाब किताब रहता है, हम काफी दूसरे कल्चर को समझ लेते हैं, और ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है इंडियंस के टॉप पे पहुंचने का। नहीं तो आप अगर सोच कर देखिए, जापान और यूएस के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, तब भी ना के बराबर बहुत ही मुश्किल आपको देखने को मिलेगा कि जापानीज लोग यूएस में गए हों और वो कॉरपोरेट लैडर चढ़ के सीईओ या फिर कंपनी के जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो बने हों। तो देखिए टैलेंट हमारे देश में मौजूद है, अब तक ये टैलेंट बाहर ही जाता रहा था, बाहर जाकर भी देश के लिए कुछ नाम तो कमाया ही है, मगर अब टाइम आ चुका है कि जो रेपुटेशन हमने अर्न कर ली है कि इंडियंस बहुत ही अच्छे से कॉर्पोरेट कल्चर समझते हैं, अडाप्ट जल्दी कर लेते हैं, जल्दी सीखते हैं, सेम वही बातें हमको इंडिया में दोहराकर अपने जो स्टार्टअप्स हैं इनको स्ट्रांग करना होगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि भविष्य में आपको एक इंडियन माइक्रोसॉफ्ट दिखे, इंडियन गूगल दिखे, जो दुनिया भर में फैल जाए, दुनिया भर में नाम कमाए, दैट डे इज एब्सोल्युटली नॉट फार अवे एट ऑल। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपके हिसाब से हम कुछ और स्टेप्स उठा सकते हैं जिससे हमारा जो टैलेंट है इंडिया का, ये इंडिया में ही रहे, बाहर ना जाए। आपके हिसाब से व्हाट आर द मोर स्टेप्स that we can take likhega iske bare mein onek boro ekta achievement india r jonno je onek boro boro company je gulo hocche world ke lead korche ei somosto company je ceo onara hocche indian tobe matha rakhte hobe onara kintu usa te kimba ei somosto boro company te jokhon giyeche seta kintu onek age seta bola chole je 90 er por theke kimba 90 er age kichu mane 2000 saler age তো এখন যারা যাচ্ছে তারা হয়তো আরও 10-20 বছর পরে হয়তো সেই পজিশনটা দখল করবে, বাট এখন যাওয়ার থেকে বেশিরভাগ মানুষ হচ্ছে ইন্ডিয়াতে নিজের জায়গায় তারা স্টার্ট আপ খোলার জন্য চেষ্টা করছে। হ্যাঁ সেটা ঠিক আছে, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে এই যে লোকগুলা বাহিরে চলে যাচ্ছে পড়াশোনা করার জন্য, সেখানে যাচ্ছে, সেখানে নিজেদের পজিশনটাকে গড়ে তুলতে পারছে, এটা যদি দেশের গভর্নমেন্ট যদি আরও বেশি করে মানুষকে স্টুডেন্টদেরকে সুযোগ সুবিধা দেয় বা তাদেরকে সেইভাবে গড়ে তোলে যে দেশের জন্য কিছু করার জন্য বা দেশেই কোনো বড় কোম্পানি খোলার জন্য, তাহলে কিন্তু তারা আরও বেশি মনে হয় যে আগ্রহ পাবে। সেটা তো স্টার্ট আপ দেশে খুলছে, কিন্তু এই সমস্ত বড় কোম্পানিতে যেতে হলে এবং কাজ করতে হলে অবশ্যই তাদেরকে জায়গা চেঞ্জ করতে হবে, আর যখন জায়গা চেঞ্জ করবে তখন কিন্তু সেখানে নতুন কিছু শেখার একটা অপশন থাকছে। সে তো অবশ্যই, কারণ এখানে কিন্তু অলরেডি বলছে যে তাদের অ্যাডাপ্টেশন যে ব্যাপারটা সেটা কিন্তু অনেক ভালো আছে, কারণ তারা নতুন একটা পরিবেশে খুব সহজেই মানিয়ে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে রাশিয়া বলো বা তোমার জাপান, চায়না, তারা কিন্তু এত সহজে মানিয়ে নিতে পারছে না। যেমন আমাদের দেশের রূপপুরের কথাই বলি, সেখানে কিন্তু আসলে রাশিয়ান লোকজন আলাদা করেই তাদের নিজেদের জন্য থাকার ব্যবস্থা এবং তাদের বাজার, তোমার শপিং মল, সব কিছু নতুন করেই তাদের জন্য কিন্তু আলাদা করে করা হয়েছে। তো তারা এখানে থাকছে কিন্তু তাদের একটা নির্দিষ্ট পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। তো সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে না, আমরা আমি বলবো যে আমাদের বাংলাদেশিরাও কিন্তু অনেকটা মানে হ্যাঁ মিশে যায়, আসলে একই প্রকৃতির আমরা, তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে খুব সহজে কিন্তু অন্যদের সাথে মিশে যেতে পারে। তো ইন্ডিয়ানরাও একই রকম, আর তাদের বলবো যে তাদের ট্যালেন্ট যে লোকগুলা সেগুলো যদি আরো দেশের প্রতি কাজ করে তাহলে কিন্তু আরো ভালো হবে, দেশের জন্য আরো বেশি উন্নতি হবে। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে কোনো কোম্পানিতে আসলে অনেকদিন লেগে থাকতে হয়, হুট করে তো আর কেউ তোমাকে ভালো পজিশন দিবে না, তো প্রতিষ্ঠানকে কিছু দিতে হবে। আমি যখন অনেক সময় থাকবো তখন প্রতিষ্ঠান আমার কাছ থেকে অনেক কিছু পাবে, প্রতিষ্ঠান আমার সম্বন্ধে জানতে পারবে, তখন প্রতিষ্ঠান চিন্তা করবে যে না তাকে আসলে পজিশনটা দেওয়া। অন্যান্য দেশ যেমন হচ্ছে রাশিয়া, চীন, তারা হচ্ছে লং টাইম কোনো কোম্পানিতে স্টে করে না, তারা দেখা যাচ্ছে না এখানে ভালো লাগছে না চেঞ্জ করছি। তাতে এটা ওনাদের রিসার্চে বলছে বা চায়নার একটা পত্রিকায় এটা বের করেছে রিসার্চ করে, আমার কাছে মনে হয় যে সবাই আসলে এরকম হয় না যে একটা কোম্পানিতে গেলাম আর ঘন ঘন চেঞ্জ করলাম, এত অপরচুনিটি সবার কাছে হয়তো থাকেও না।
বাট সেক্ষেত্রে বলবো যে ইন্ডিয়ানরা অনেক বেশি বেশি করে থাকে একটা কোম্পানিতে, অনেকদিন লয়াল হয়ে কাজ করে আর কি সেখানে, তো হ্যাঁ সেটার রেজাল্ট তারা পেয়েছে। হ্যাঁ রেজাল্ট তারা পেয়েছে এটাই। তো ওভারঅল যাই হোক, যে বিষয়টা আসলে অনেক বেশি নিজেদের মধ্যে বলবো, যেটা হচ্ছে যে ইন্ডিয়ানদের প্রাউড করবে যে হ্যাঁ সেটা একটা জিনিস করবে। তাছাড়া যারা নতুন করে যেতে চায় তাদের কিন্তু একটা মনোবল বৃদ্ধির ব্যাপার আছে, তারা আরো উৎসাহ হবে এবং এনাদের কাছ থেকে তারা শিখবে যে আসলে আমরাও ওরকম উপরে উঠতে পারি বা আমরা সামনে যেতে পারবো, এরকম একটা শিক্ষা কিন্তু তাদের কাছ থেকে তারা মনোবল বা শিক্ষা এটা কিন্তু পাবে। কারণ এত বড় বড় পোস্টে ওনারা গেছেন আর যাওয়াটা চারটিখানি কথা নয় এবং সহজও নয়, তো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যারা নিচে থাকবে ওনাদেরকে দেখে মনে হবে যে না আমরা এই ব্যাপারটায় পড়াশোনা করি, আমরা আরও উপরে উঠতে পারবো, আমরা এই অমুক ইউনিভার্সিটিতে পড়ে হয়তো ওনার সাথে ওনার বরাবর কম্পিট করতে পারবো, এরকম অনেক স্টুডেন্ট মনে করবে এবং আসলে পড়াশোনাটা তারা আরও ভালো করে করবে এবং ট্যালেন্ট আরও বের হবে। তো আজকের এই ভালো ভিডিওটির উপর আমাদের যে রিয়েকশনটি ছিল সেটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আর কোন কোন ধরনের ভিডিও আমরা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি। আপনারা সব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি।